जीडीपी पर जिसका एकाधिकार है, जिन देशों के पास दुनिया के अंदर होने वाले 90% पेटेंट का अधिकार है, उन 20 देशों के नेतृत्व का अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को प्राप्त हुआ है। पहली बार आजादी के बाद हो रहा है और G20 के भी कुछ आयोजन लखनऊ में होने हैं। लखनऊ के इस आयोजन के साथ अपने आप को जोड़ना प्रत्येक लखनऊवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए और इससे लखनऊवासी उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि लखनऊ से सदैव अटल जी की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। 5 बार देश की संसद में सांसद के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की संसद में लखनऊ का प्रतिनिधित्व किया था। जनप्रतिनिधि लखनऊ के नेतृत्व यहां पर एक प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ का, लेकिन नेतृत्व पूरे देश को अटल जी ने लखनऊ के माध्यम से दिया। ये लखनऊ के लिए गौरव की बात है और लखनऊ की इस विरासत को आज देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी पूरे देश के अंदर भारत को सुरक्षा का बेहतर माहौल देकर के अटल जी की इस विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज डबल इंजन की सरकार ने अनेक मानक गढ़े हैं। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं हर एक स्तर पर हो, हम गांव गांव में जहां पर चिकित्सकों की उपस्थिति नहीं हो पाती है वहां टेली कंसल्टेशन और टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करवा सके, इस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर 6 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर, यह भी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अभी इसमें हमें बहुत सारे मानक आगे बढ़ाने हैं। जिन लोगों के आयुष्मान भारत के कार्ड बने हैं वे गोल्डन कार्ड जरूर बनवा लें, क्योंकि बिना पैसे के सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और ये जो मेले लग रहे हैं स्वास्थ्य मेले, इन स्वास्थ्य मेलों में स्वास्थ्य संबंधी वे सभी कार्यक्रम चलते हैं। केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई आयुष्मान भारत का हो, ट्यूबरक्लोसिस से मुक्ति का हो, या फिर मातृवंदना से जुड़े हुए कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के तमाम कार्यक्रम हैं, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हम एक गरीब का, एक किसान का, एक नौजवान का, या जीवन में किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी उन समस्याओं के समाधान करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री नीरज सिंह जी को कि बड़ी तन्मयता के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष आयोजित करने का जो निर्णय लिया, लगातार 3रे वर्ष भी उसी भव्यता के साथ, उसी दिव्यता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मेरी कल इच्छा थी इस कार्यक्रम में उद्घाटन कार्यक्रम में रहने की, लेकिन मुझे एक आवश्यक कार्यक्रम से बाहर जाना पड़ा। और जब सायकाल में वापस आया तब भी मैंने फोन से जानकारी ली कि स्वास्थ्य मेले की क्या स्थिति है। मुझे बताया गया कि हजारों लोग स्वास्थ्य मेले में आए, उन्होंने स्वास्थ्य मेले का लाभ लिया और स्वास्थ्य मेले के माध्यम से उन्होंने उस क्षेत्र में प्रदेश और देश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, कौन सी नई योजनाएं आई हैं और किन योजनाओं से हम कैसे किसी गरीब को, किसी किसान को, किसी नौजवान को, किसी महिला को लाभान्वित कर सकते हैं। इन सभी योजनाओं का लाभ वहां पर विस्तृत रूप से देने का कार्य हुआ है। आज इसकी एक झलक मुझे भी यहां देखने को मिली है। मैं इस अवसर पर श्री नीरज सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देकर सफल आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। सदैव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लखनऊ आदरणीय रक्षा मंत्री जी की कर्मभूमि है और उनके नेतृत्व में लखनऊ और प्रदेश आज विकास की जिस नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है वह निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आरोग्य मेले के आयोजन निरंतरता को प्राप्त करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबको वर्ष 2023 की
अभी से मैं अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वर्ष 2023 हम सबके लिए शुभ और मंगलकारी होगा और हम सब भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के वर्तमान अभियान के हिस्से बनकर के फिर से उत्तर प्रदेश को देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व लखनऊ सांसद, भारत रत्न, उनका जयंती उनकी आज है और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे, छोटे बेटी नीरज सिंह की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां स्वास्थ्य मेले में कई लोगों को चेकअप्स की सुविधा मिली, उसकी तारीफ मुख्यमंत्री ने की है। इसके अलावा बताया मुख्यमंत्री ने कि किस तरह से प्रधानमंत्री रहते हुए भी लखनऊ के जनप्रतिनिधि थे अटल जी, वो पहचान उनके साथ हमेशा जुड़ी रही और हमेशा जुड़ी रहेगी उनके जाने के बाद भी। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। जब गाड़ी बेचने की बात की तो सबने कहा